कोरोना की रफ्तार, जितनी देर में आप ये खबर पढ़ेंगे 11 रोगी बढ़ जाएंगे। सीएम बोले, चिंतित हूँ, लोग ना सुधरे तो रोकना नामुमकिन। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार सरकार के अनुमान से कहीं तेज है। प्रदेश में सोमवार को रिकॉर्ड 16,438 नए पॉजिटिव मामले मिले और अब तक सर्वाधिक 84 मौतें हुई है। हालात ये हैं कि प्रदेश में हर मिनट 11 और हर घंटे 685 नए मरीज मिल रहे हैं। राज्य सरकार का अनुमान था कि 30 अप्रैल तक 1,29,424 एक्टिव रोगी होंगे, लेकिन 4 दिन पहले ही यानी 26 अप्रैल को एक्टिव रोगियों की संख्या 1,46,640 हो गई। अगर कोरोना इसी तेजी से बढ़ता रहा तो 30 अप्रैल तक एक्टिव रोगियों की संख्या 2.10 लाख हो जाएगी। राजस्थान के मौजूदा हालात पर सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा, मैं बहुत चिंतित हूं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश सरकार केंद्र के साथ दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगातार संपर्क में है। जब तक लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तब तक इस घातक कोरोना संक्रमण पर काबू पाना संभव नहीं होगा। प्रदेश में ऑक्सीजन संकट, गहलोत के 3 मंत्री केंद्र से बात करने आज दिल्ली जाएंगे। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गहलोत सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी मंगलवार को दिल्ली जाकर केंद्र के अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे। कमेटी में मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, डॉक्टर बीडी कल्ला और शांति धारीवाल हैं। घर घर सर्वे, WHO की टीम बेड, ऑक्सीजन की दवा और मॉनिटरिंग को घर घर सर्वे कर रही है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया है कि परिवार में वैक्सीनेशन और कोरोना लक्षणों की जानकारी ली जा रही है।